अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। देख सकते हैं आप इस वीडियो की खूबसूरती बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। सॉरी, थोड़ा सा संभालना अभी तक आया नहीं है मुझे मोबाइल को। देखिए पिलोटा कैसे पड़ा हुआ है इधर खदा। मैं लास्ट वीडियो पर आने के बाद गायब हो गया था इस चैनल से भी और दूसरे चैनल से भी, तो थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ। बिज़ी शेड्यूल बहुत बिज़ी हो चुका है क्योंकि छत में आने वाले मौसम की तैयारी करे जा रही है, आमद मौसम की तैयारी है। देख सकते हैं इस पिंजरे में, यहाँ पर मैंने कपड़ा लगाया है जाली वाला, ठीक है। बैक साइड सही करी इसकी पूरी, देख सकते हैं बैक साइड पे चैनल से हट रहा था पैचेस, वहाँ मैं प्लास्टिक लगाई, इस तरफ प्लास्टिक लगाई है ठंडी हवा ना लगे, ठीक है। पता कर भी लगा हुआ है माशाल्लाह से, कॉकटेलों में से एक नर एक मादी निकाल के यहाँ छोड़ा है, पियल लगे फिशर गन है, अंदर घुसे हैं दोनों, दोनों नर हैं अंदर घुसे हैं माशाल्लाह। देखें ये जगह भी खूबसूरत कितनी हो गई है, इसमें कौन कौन से पौधे लगे। मैं दूसरे चैनल पर आज एक वीडियो डाली है वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से सुबह सुबह उसमें फूल खिलते हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं पाता जब तक उठता हूँ मैं और आता हूँ, पर फूल बंद हो रहे होते हैं और क्या पता बंद हो चुके होते हैं बहुत से। तो देखें माशाल्लाह से इसकी भी कलम क्राफ्टिंग हुई करी कोशिश करी है मैंने करने की, और इसका रिजल्ट जो भी आता है वो दूसरे चैनल पर मिलेगा। ये देखिए बिलोटा इसके से पड़ा हुआ है भूसे के ऊपर, ये देखें बढ़िया नेस्ती इंसान, ये देखें नेस्ती इंसान है सारा, ये सारे दिन ये इधर ही पड़े रहते हैं भूसे के ऊपर। बाकी थोड़ा सा सामान ये रखा हुआ, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ एक सीन। आज सुबह डर गया था मैं, एक सीन हुआ समझ में नहीं आया खरगोश कैसे खुले रह गए, नहीं खुले खुल गए थे खरगोश, और एक पैट नहीं उसे एक मुर्गी चोरी हो चुकी है, और एक मुर्गी और चोरी हो चुकी है। लेंस ना सही करना पड़ता है, इसको ना बराबर रखना पड़ रहा, ऑटोमेटिक नहीं किया। एक काली मुर्गी थी ना मेरे पास, वो हो गई है चोरी, समझ में नहीं आया हुआ क्या सीन है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। एक मुर्गी गायब हो गया, एक ही मुर्गी बची है, चार मुर्गियाँ थी अब एक बची मेरे पास, बत्तखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हैं, दो मरी थी, एक काट के खाई थी मैंने और एक मर गई थी मेरे पास, बकबक मर चुकी है और दूसरी सफ़ेद एक काट के खा ली मैंने, थोड़ा मसला आ गया तो बीमार हो गई थी इस वजह से, वो खाइए काट के। बाकी वापसी खरगोश एक बाहर है, एक दो तीनों अंदर हैं, एक खुला हुआ है इधर, मैंने रस्सी बांध के गया था निकेन वापसी तोड़ दी इन्होंने, उसको भी सेट करना है, तरपाल उतारनी है आज, पीछे का तैयार करना है वापसी वो कोने तक सही करवा के, इसमें खरगोश प्लस कबूतर छोड़ूंगा मैं, कबूतर का ये ख़त्म करके इधर कर दूंगा, बड़ा पिंजरा कर दूंगा कबूतरों का। आए चले हम सेकंड पे आते हैं, जो काम चल रहा है छत पे देख सकते हैं, हलावा मचा हुआ है इस तरफ, क्योंकि मैंने इस पिंजरे का काम वापसी शुरू करा, मास्टर केज बना रहा हूँ मैं, कलोनी बनानी है ऑस्ट्रेलियन डफ और बहुत सी चीज़ें नई नई ला के डालने का इरादा है मेरा, क्योंकि एक छत सुनी है, बकरियाँ मुर्गियाँ बत्तखें वही पुरानी चीज़ें हैं सारी। ए, परा हुआ है, हा 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 लिया सॉरी, क्या ये मुर्गियाँ नहीं चुतर गया, फौरन ना गेट बंद कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको फिलावा मचा हुआ क्यों है, थोड़ी खाद वो बनी हुई कचरा ये रखा हुआ, लकड़ियों वाला कचरा है थोड़ा, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, दूसरा जो सीन करने वाला शुरू करने वाले, इसमें लग गई थी दीमक, ये देख सकते हैं ये पूरी लकड़ी में लगी हुई थी दीमक, ख़त्म थी लकड़ी, ये देखें यहाँ से भी नहीं है, ये देखें यहाँ पर भी नहीं लगी हुई है,
नीचे की पूरी लकड़ी में लगी हुई थी। दीमक उस जगह साइड पर ये हिल जुल था, ये बाहर निकला हुआ था, बिल्कुल बाहर निकल जाता था। लकड़ियाँ सारी ये साइड करी मैंने। अभी इसमें ये जो लचक है जाली में, इसके लिए एक लकड़ी लगेगी, ये सही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ऊपर जाली लगनी है और गेट बनना है। ये बिफोर आफ्टर में बना नहीं सका क्योंकि टाइम शॉर्ट टाइम पे मैंने काम हुआ है। किधर लकड़ी लगेगी ये देख रहे हैं, लचक ये ख़त्म करने के लिए शॉर्ट टाइम में काम हुआ है। इस तरह थोड़ा ध्यान मेरा कम कम था तो इसमें दीमक लग गई थी। बाकी सब में इसमें दीमक का पहले एक स्प्रे होगा, एक इसमें स्प्रे स्प्रे सब में स्प्रे करना है दीमक का। ये छत पे बारिश हुई है, बारिशों में दीमक आती है, गीली जहाँ तक रहती है नमी में वहाँ पर दीमक पैदा हो जाती है। और अंदर देखें फिंचे में मैंने इसमें निकालनी है। एक जोड़ा बचा मेरे पास, मादियाँ मर गई, बाकी नरी नर भर गए। 4 से 5 नर इसके अंदर मौजूद हैं अभी। अब ये है कि इसमें एक जोड़ा मैं रखूँगा इसके अंदर करके इसको सेट करूँगा, और इसके अंदर एक जोड़ा सिर्फ फिंचर्स का अगर रखना है। अभी फ़िलहाल एक जोड़ा नहीं, सॉरी 2 जोड़े इसमें रखूँगा, 2 जोड़े नीचे। बाकी इसमें ऑस्ट्रेलियन छोड़ेंगे, 3 से 4 जोड़े ऑस्ट्रेलियन छोड़ेंगे। कॉकटेल का जो नीचे 2 पड़े हुए हैं कॉकटेल छोड़ देंगे इसमें। और अल्लाह वाला करे डायमंड डफ भी, मैंने इरादा बन रहा मेरा डायमंड डफ का लाने का, तो वो घर में मशवरा करना पड़ेगा क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं है वो। मैं थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, थोड़ा बातचीत करके फिर इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी डायमंड डफ। ये देख सकते हैं फिंचर्स, देखें आप लोग थोड़ा नहीं, एक बीच में कैमरा मत देख सकते हैं फिंचर्स। अरे खरगोश का एक मेल लेकर आना है आज जाके, आज तो नहीं कल जाके ना एक मेल खरीद के लेकर आऊँगा। कबूतर भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को। बस थोड़ा मोबाइल मसला कर रहा था, गर्म हो गया था, हीट अप हो गया था तो हैंग हो रहा था, तो अभी वापसी शुरू करी मैंने। ये देख सकते हैं इसमें ये एक ये छोड़ा गन्नेदार अंधा, एक ये गन्नेदार काना लगा, एक ही रखना है इसमें लगा। ये कल्सर पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है इसमें, इसको तो मैं सेल करने का इरादा कल से रखेंगे। बाकी इन दोनों लकड़ों को सेल करने का इरादा है मेरा, समझ रहे हैं। इसको भी सेल करना है, राज्य को भी सेल करना है। बाकी रखना है मुझे एक ये मादी रखनी है, ये नर इसका प्यार है पूरा, ये रखना है। पीछे भूरा बैठा हुआ है, ये रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, लका रखा जाएगा सफेद वाला। थोड़ा कम करके इसके अंदर रखेंगे, इसमें नीचे खरगोश रखे होंगे, ऊपर ये कबूतर रखे हों, समझे नहीं, तो उसमें मज़ेदार व्यू आएगा। थोड़ी गंदी लग रही होगी, छत बहुत ज़्यादा गंदी हुई है मेरे पास। ये देखें पैचेस बने हुए हैं, ये गन वो गन, अंदर साफ सुथरी हुई है, वहाँ गन है, एक ये गन है। थोड़ा इग्नोर करिएगा इन गनों को, लेकिन क्या कर सकते हैं, रखना पड़ेगी। गन भी गन साफ करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा टाइम निकालना है सफाई सुथराई के लिए। अभी थोड़ा काम में बिजी हैं, ये काम निपटाने के बाद